नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन में एक नई ट्रिक जिसका नाम है हैज के साथ टू का प्रयोग, हैव के साथ टू का प्रयोग, हैड के साथ टू का प्रयोग और विल हैव के साथ टू का प्रयोग। ये कैसे करेंगे, कहाँ करना है, किस तरह करना है, ये चीज़ हम आज के चैप्टर के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम जब भी इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं या हिंदी का सेंटेंस देखते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये किस टेंस का है, किस मॉडल का है, कौन से ग्रामेटिकल चैप्टर का है, बस यही चीज़ हमारे माइंड में आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनके अलावा भी एक लाइफ है, इनके अलावा भी एक ज़िंदगी है, एक किस्सा है। हम बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश प्रैक्टिकल लाइफ में, हम स्पोकन लाइफ में, इंग्लिश लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनका टेंस या मॉडल या किसी ग्रामेटिकल चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसे चैप्टर को, ऐसे सेंटेंस को हम गोल्डन ट्रिक से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आज भी, आज का जो चैप्टर है वो भी हमारा उसी पे बेस है। आज हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप हिंदी और इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलने में एबल होंगे जो आपकी लाइफ में डे टू डे काम आते हैं, जिन्हें आप रोज बोलते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि उन्हें कैसे बोलना है। इसीलिए आज का हम एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जिसके द्वारा 25% आपकी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, इतना हमें पूरा विश्वास है। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा और मैं ईमानदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने आज का पूरा वीडियो समझ लिया, देख लिया, तो 100% आपकी 25% इंग्लिश में ग्रोथ होने जा रही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जब भी हम हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ टू का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है गोल्डन ट्रिक, और वो भी किसका, इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश ग्रामर का नहीं, इंग्लिश स्पोकन का, ठीक है ना। जब भी आप हैज के साथ टू, हैव के साथ टू, हैड के साथ टू और विल हैव के साथ टू लगाते हैं तो वो 100% इंग्लिश की गोल्डन ट्रिक बन जाती है और वो ग्रामर से बाहर आ जाती है। अब जब बाहर आ जाती है तो कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, मुझे जयपुर पहुँचना है। अब आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ तो देखी होगी, ता है, ते है, ती है, रा है, रही है, रही है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये सारी पहचान तो आपको पता है क्योंकि ये टेंस की है या मॉडल की होगी। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि अगर किसी वाक्य के पीछे ना है आ जाए या ने है आ जाए या नी है, ना था, ने थे, नी थी, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ेगा, पड़ेगी, तो इस तरह के वर्ड आ जाए तो वो कौन से टेंस के होंगे, वो कौन से मॉडल के होंगे। तो भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि वो मॉडल के नहीं है, टेंस के नहीं है, वो इंग्लिश की गोल्डन ट्रिक के हैं। वहां हमें इंग्लिश की गोल्डन ट्रिक यूज करनी है और उन सेंटेंस को इजीली हमें कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करना है, आगे एक आगे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। हमें जयपुर जाना पड़ता है। अब इसके पीछे है पढ़ता है। अब ये पढ़ता कैसे भाई, नीचे थोड़ी गिर रहा है, पढ़ता है। मुझे जयपुर जाना है, ना है, तो इसका मतलब यह होता है कि हम इस ट्रिक को यूज करते हैं यहाँ पे। अब क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हैज, हैव, हैड और विल हैव के साथ टू आ गया, इसका मतलब है कि वहाँ पे क्रिया घटेगी, क्रिया हैपन होगी, एक्शन होगा वहाँ पे, वो डेफिनेटली होगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसके इनके साथ में टू का प्रयोग करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। जब भी हम कोई कार्य या किसी काम को दिखाते हैं कि भाई वो करना पड़ेगा या वो होगा या उसे करना है, तो उसके लिए आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है। वहां पे हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब अभी तक भी अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं आपको इसको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, पहले हम पढ़ेंगे पहचान के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होगी, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, ना है, ने है, नी है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में टेंस की तरह, मॉडल की तरह, किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में अगर ये आ जाए कि पढ़ता है,
पढ़ते हैं, पढ़ती है, ना है, ने है, नी है, अगर ये शब्द आ जाए ना तो समझ जाइए वहाँ हमें हैज के साथ टू या हैव के साथ टू का प्रयोग करना है। अब ये तो आपको पता है कि हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर एक वचन करता है तो आपको वहाँ पे हैज टू का प्रयोग करना है, और अगर आपके वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हैव टू का प्रयोग करना है। इतना तो आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा देखिएगा, पास्ट के अकॉर्डिंग किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी या ना था, ने थे, नी थी आ जाए तो वहाँ पे हम हेड टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसके साथ हेड टू प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी के साथ हेड टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हेड है ना मल्टीपल है, इसे हम किसी भी आई मीन टू से इसे हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखिए, होगा, होगे, होगी या पड़ेगा, पड़ेंगे, पड़ेगी, इसका मतलब अगर ये शब्द किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में आ जाए तो वहाँ ओनली फॉर आपको विल हैव का प्रयोग करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई और वी है तो भी आपको विल हैव का प्रयोग करना है। अगर इनके अलावा जैसे कोई सा भी सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन है तो वहाँ भी आपको विल हैव का प्रयोग करना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई पहचान। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी रचना कैसे करेंगे कि अगर पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती आ जाए, ना है, ने है, नी आ जाए ना, तो आपको सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगा के आपको टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरह से अगर पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, ना था, ने थे, नीति आ जाए किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में तो आपको आँख बंद करके एक चीज़ लगा देनी है, सब्जेक्ट के साथ हेड, हेड के बाद टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में पीछे होगा, होगे, होगी, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी आ जाए तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली विल हैव का प्रयोग करना है, फिर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है, इतना सा ध्यान रखना है बस। इसके बाद देखिए हम कुछ एग्जांपल रखते हैं आपके सामने और वो एग्जांपल इस टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। एग्जांपल देखिए, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, पड़ता है, आगे ध्यान रखना, पड़ता है। He has to go school daily. हमने ही के साथ हैज क्यों लगाया, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हैज, हैज के बाद टू, टू क्यों लगाया, क्योंकि पढ़ता है, इसलिए हमने हैज टू लगाया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और बाकी ऑब्जेक्ट आ गया सारा। तुम्हें रोज खाना पड़ता है, नहीं, तुम्हें रोज खाना पकाना है, पकाना है, अब ना है आ गया, यू के आगे हैव लगा दिया, यू क्योंकि बहुवचन है, आई मीन टू से वो प्लूरल सब्जेक्ट है, यू हैव टू कुक फूड डेली। अब देखिए पास्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, मुझे वापस घर लौटना पड़ा, पड़ा का मतलब पास्ट सिंपल टेंस, तो हमने वहां पे क्या किया, हैड टू का प्रयोग कर दिया, आई हैड टू कम बैक एट होम, हमें ये मैच जीतना था, ना था आ गया पीछे, ना था, वी हैड टू विन दिस मैच। आगे एग्जाम्पल देखिए फ्यूचर के अकॉर्डिंग, हमें इंतजार करना पड़ेगा, पड़ेगा आ गया, पड़ेगा, वी विल हैव टू वेट, अब हमने यहां वी के साथ सेल नहीं लगाया, हमें वी के साथ विल हैव ही लगाना है, गोल्डन ट्रिक है यहां पे ध्यान रखना, ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इतना सा ध्यान रखना, वी विल हैव टू वेट, मुझे सोचना होगा, आई विल हैव टू थिंक, विल हैव के आगे टू थिंक लगा दिया, इसका मतलब होगा, होगे, होगी। तो इस तरह से हम इजीली बना सकते हैं, बस आपको करना क्या है कि पहचान को नोट करना है, रचना स्ट्रक्चर को नोट करना है, अगर रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर और एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो ये गोल्डन ट्रिक इजीली आपके लिए बाएं हाथ का गेम होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्रिक को यूज करिए, क्योंकि ये ट्रिक आपके 25% इंग्लिश के सेंटेंस को सॉल्व करेगी और इजीली आप इंग्लिश बोलने में एबल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।